तो हेलो गाइस, तो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे सीजीपीटीएम का, एग्जामिनर का। तो हम लोगों ने अभी मैथ के क्वेश्चन लगा लिए थे, इसमें 30 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है हमारा 61 से, तो उस पर चलते हैं हम लोग। ये सब मैथ का तो हमने करा दिया था, इसका लिंक मिल जाएगा बाद में आपको, इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो 61 क्वेश्चन रीजनिंग में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आती है, ठीक है? तो नॉन वर्बल को थोड़ा ज़्यादा तैयार करिएगा क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया था कल, और यह स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। ये तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, ये नॉन वर्बल का ही देखिए आ गया। मिरर इमेज इसमें निकालना है, ठीक है? तो मिरर इमेज का देखिए इसमें आप लोग कौन सा ऑप्शन मारेंगे, सही कौन सा। तो देखिए इसका एक फंडा होता है कि मिरर में क्या होता है, मिरर के जो भी चीज़ अगर मतलब जिस साइड होगी उसी साइड ही रहेगी और इमेज इन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे ये एल बना हुआ है ना, तो ये एल का जो ये नीचे वाला पोर्शन है जो हॉरिजॉन्टल वाला, वो हॉरिजॉन्टल इसी साइड रहेगा, राइट साइड ही रहेगा। जैसे ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दोनों ये दोनों बचे हैं। और जो ये मिरर का जो नीचे वाली चीज़ है, ये इमेज पूरी इन्वर्ट हो जाएगी, तो इन्वर्ट होकर तुम्हारा ये आला बन जाएगा। जैसे ये ऐसे गोला ऐसे करके, तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे वाला ऐसे गोला, तो ये वाला हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन ठीक है। आगे देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये पी इज ए मतलब ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। पी इज ए फादर ऑफ आर एंड आर एस इज द सन ऑफ क्यू एंड टी इज द ब्रदर ऑफ पी। ये आर इज द सिस्टर, ये तो आप सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा सिस्टर इन लॉ आएगा, उसकी भाभी होगी। ये देखते हैं, ये नंबर सीरीज वाला, नंबर पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और ट्रिकी होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें आपको डिफरेंस का ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें पूछा गया 7, 13, 25, 49, 97, ठीक है? सबसे पहले दिमाग में क्या ट्रिक आती है, हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करने लगते हैं। तो डिफरेंस कैलकुलेट करिए आप, 7 और 13 का डिफरेंस कितना है 6, ठीक है? 13 और 25 का डिफरेंस कितना है, कितना है 12, ठीक है? इसका डिफरेंस कितना है 24। तो डिफरेंस आप देख रहे हो डबल हो रहा है, 6, 12, 24, और ये 48 हो रहा है, और ये 96। तो 96 इसमें जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 193, ठीक है? तो सबसे पहले आप डिफरेंस का ही ध्यान रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, तो मतलब क्यूब वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब इज 7, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइसेस इज डेफिनेटली डिफेक्टिव, ठीक है? तो सम हमें क्या करना है, 7 करना है, ठीक है? तो डिफेक्ट बताना है किसमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इस डाइस को देखें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचा हुआ है, 5, 4, 6 आ चुका है, हमारा बचा क्या है 1, 2 और 3 बचा हुआ, ठीक है? ओके, तो अगर मान लीजिए 1, 2, 3 है, तो आप 1 और मान लो 6 के सामने दो, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 1 होगा इस साइड 6 के अपोजिट, तो 1। अब बचा है हमारे पास 2 और 3, ठीक है? तो मान लीजिए आपने 2 रख दिया, 5 के अपोजिट 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 5 के अपोजिट 2 आ गया। अब बचा हमारा क्या है 3, 1, 2 और 3, और 3 हमारा हो गया ये। तो ये डाइस बिल्कुल सही है क्योंकि फिट बैठ रहा है, 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3, 4 के अपोजिट आ गया। इसी तरह हम सारे डाइस चेक करते हैं, ऑप्शन से करना पड़ेगा। ये डाइस देखते हैं हम लोग, इसमें ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास, 1, 6 और क्या बचा है हमारा, 1, 6 और 3 बचा हुआ है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 का पेयर तो 1 होना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 है ही नहीं, पहली बात तो ना। तो ठीक है, ये ऑप्शन अपने आप में ही गलत हो जाएगा, जायज चेक करने जरूरत है, तो यही आंसर आप मार के निकल लेंगे आगे, ठीक है? अच्छा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 5 फ्रेंड्स ये दिए हैं, और ये सिंपल सवाल है, मतलब रो वाला है, ठीक है? और यहाँ पे इसको बनाया भी, सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसको सिंपल सवाल है। आई होप कि इसके इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका आंसर ई हो जाएगा, बीच में पूछा था, ठीक है? एक्सट्रीम इसमें क्या पूछा था, एक्सट्रीम राइट ना, तो हाँ ई होगा इसका, ठीक है? तो ई मारिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए नॉन वर्बल का आ गया, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा मतलब कि इसमें यहाँ पे पैटर्न आएगा, ठीक है? तो देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये देखिए इसको आप समझिए थोड़ा पैटर्न। ये अगर इस साइड है तो ये एक साइड घूम जा रहा है, 90 डिग्री सब घूम जा रहा है, सब 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है? तो सारे फिगर 90 डिग्री घुमा के आप देख सकते हैं, 90 डिग्री ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, ये 90 डिग्री क्लॉक वाइज, ठीक है? तो इसको भी 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा के आप देख सकते हैं इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि 90 डिग्री घूमेगा तो ये इसका 90 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री ऊपर आ जाएगा ये चीज़, और ये, ठीक है? सी
ठीक है, इसमें आप थोड़ा डिग्री का ध्यान रख के सवाल को इजीली कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका, इसमें वही है, नॉन वर्बल है। देखा इसमें क्या है, द फोर्थ प्रॉब्लम फिगर हैव बीन गिवन और यू हैव टू फाइंड द विच इज रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे यार, इसको आप लोग ट्राई करिएगा स्टॉप करके। वैसे बता देता हूँ मैं, देखिए इसमें ये, इसमें तीन स्टार ये है और दो, मतलब जो भी स्टार आप देखिए तीन और दो का पेयर है अपोजिट साइड में। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखिए कि जैसे ये अगर दो स्टार इसमें वर्टिकल है, मतलब इसमें जो स्टार मतलब लाइन में है वही लाइन इसमें, जैसे ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकल है। ठीक है, इधर ये हॉरिजेंटल हुआ तो ये भी हॉरिजेंटल है ये दो। ठीक है, मतलब जो जितना वर्टिकल इधर है उतना वर्टिकल इधर है, जितना हॉरिजेंटल इधर है उतना हॉरिजेंटल इधर है। ठीक है, ये वर्टिकल तो दो वर्टिकल ये, तो ये पैटर्न मैंने देख लिया, अब यही पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, इसको चेक करते हैं, दो वर्टिकल और दो वर्टिकल, हाँ ये सही है बिल्कुल, और अपोजिट में भी है, ये तो होगा नहीं ऑब्वियसली गलत। ये देखिए इधर ये वर्टिकल है, इधर हॉरिजेंटल, ये तो गलत हो गया, ये हॉरिजेंटल ये वर्टिकल ये भी गलत, तो आंसर ए है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्या है कि एक क्यूब दिया है जो पेंटेड रेड ऑन द फेसेज इज कट इनटू 125 क्यूब्स। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला था ना क्यूब के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, तो क्यूब के क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा आप ध्यान से। ठीक है, तो ठीक है इसको बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इससे बोला है कि 125 क्यूब टोटल बनाना है। ठीक है, तो उसको करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, 125 दिया है तो 125 का हम लोग क्या करेंगे, 5 × 5 × 5 होता है क्यूब में। ठीक है, और जो क्यूब का जो आपको निकालना है कि जिसमें कोई भी पेंटेड ना हो कोई भी कलर का ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों दोनों साइड से आप क्यूब का, क्योंकि मतलब जो कॉर्नर वाली साइड रहेगी उसमें भी कलर होगा दोनों साइड कॉर्नर, तो उसको एन माइनस टू कर लीजिएगा आप, तो 5 − 2 हो गया 3। अब जो 3 × 3 × 3 का जो क्यूब होगा जो अंदर वाला है उसमें कलर नहीं होगा, तो आ जाएगा आंसर हमारा 27। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और अगर मान लो इसमें पूछता कि सिर्फ कॉर्नर वाले क्यूब बताओ जिसमें तीन जो तीन कलर के होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि कॉर्नर होते हैं क्यूब के 8। इस तरह आप सारे ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग। इसमें देखिए बच्चे उलझ जाते हैं, क्या करने थे, पूरा गिनने लगते हैं और गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसका एक ट्रिक ये है कि अगर आपको देखिए, इसमें आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये अगर आपको ट्रायंगल लगा है। ठीक है, और ट्रायंगल में अगर आपको ऐसे दिया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं इसके 3, इसको आप रट लीजिए, ऐसे समझ सकते हैं आप, एक ट्रायंगल 1, ये 2 और ये बड़ा वाला 3 ट्रायंगल। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये दिया है स्क्वायर या वो रेक्टेंगल दिया और फिगर कंप्लीट है रेगुलर है इस तरह, ठीक है, तो नंबर ऑफ होते हैं ट्रायंगल इसमें 8, इसको याद कर लीजिए, आप काउंट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो भी पूछा जाए आपसे सवाल में आप उसको क्या कर लीजिए, मान लीजिए पूछा जाएगा इसका कितना होगा, डबल कर दिया तब कितना होगा, 8 इसका 8 इसका 16, और बीच में देखिए आप इसको कंबाइन फिगर के भी आपको निकालना रहेगा। ठीक है, कंबाइन फिगर का आप निकाल लीजिए, ट्रायंगल एक ये हो गया, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, टोटल हो गए हमारे कितने, 16 और 2 18। ठीक है, और इसमें क्या है 3, इसको आप सॉल्व करिए, 8 × 16 = 24 और ट्रायंगल कितना हमारा, 1 2 और 3 और 4। ठीक है, 24 × 4 = 28, तो ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ये देखिए इसका बना के समझाया गया है, बहुत सिंपल ही है, ऑल फ्रूट्स आर ट्री। ठीक है, तो फ्रूट जो है ट्री, तो मतलब फ्रूट अंदर होगा ट्री के, ये ठीक है, ऐसे हो गया ट्री के, नो फ्लावर इज ट्री, फ्लावर कहीं अलग पड़ा होगा ये, तो ऑप्शन देखते हैं इसके कंक्लूजन क्या है, नो फ्लावर इज फ्रूट, नो फ्लावर इज फ्रूट सही बात है, और सम ट्री आर फ्रूट, हाँ यस सम ट्री जो है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो बहुत करेक्ट। आगे देखते हैं, रवि वॉज बॉर्न ऑन 26 अक्टूबर, ये और ट्यूजडे, ऑन विच डे ही वुड सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन 2010। ये बहुत सिंपल सवाल होता है, आप चेक कर लीजिए कितना ईयर हो रहा है इसका। ठीक है, 26, याद रखने की कि एक साल में आपके कितने होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक साल में आपके और डेज होते हैं, तो आप इसको पहले हटा देते हैं हम लोग, एक साल में और डेज होते हैं आपके 1, और लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में कितने होते हैं और डेज, 2 हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो उसी से वैसे सवाल पूरा ये। ठीक है, इसको देखते हैं, तो अक्टूबर 26 अक्टूबर को ट्यूजडे था, तो 2004 से 10 तक कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। ठीक है, तो 6 साल में आप निकाल सकते हैं इसमें क्या, इसमें लीप ईयर एक होगा 2008 वाला। ठीक है, तो 6 7 8, ठीक है, तो आपका 7 आ जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो ट्यूजडे था वही पड़ेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, विच नंबर इज अपोजिट टू 4, ये आप समझ गए ना, इसमें 6 आपका निकाल दिया और एक अपना वो आ रहा था ऑड डेज एक्स्ट्रा उसके कारण,
लीप ईयर 2008 वाला, इसलिए 7 हो गया था, और 7 से 7 कट गया, 0 हो गया, तो मतलब जो ट्यूजडे था वही हो गया, ठीक है। वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्योंकि 2 कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लीप ईयर है 2008 वाला। चलिए आगे देखते हैं, विच नंबर इज अपोजिट टू 4, यही देखिए आगे ना क्यूब वाला देखिए कितने सारे सवाल आ रहे हैं, तो ये क्यूब वाला सवाल ये है, तो बताना विच नंबर इज अपोजिट टू 4, ठीक है। 4 के अपोजिट देखिए, देखिए 2 और 3 तो होगा नहीं, आप यहाँ से ऑप्शन से कट दोगे, 2-3 अगल बगल है तो होगा नहीं, यहाँ से काट दीजिए, बच्चा क्या 1 और 4 बच्चा है, 4 तो होगा नहीं, आंसर 1 खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें वाला, ठीक है, 1 आंसर। आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, ये तो आप कर लेंगे है ना, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स सेंट्रीफ्यूगल, ये भी सिंपल सवाल है, आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिए, पूछा है मिडिल में तो ये सॉल्व किया है, आप इसको स्टॉप करके देख लेना, आइए आएगा आंसर वैसे इसका। आगे क्या है कि ये देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस की क्या होगी ओम, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। आगे 6% ABCD दिया है, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, सर्किल में दिया गया है, ठीक है, इसको आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है ना, इसका आंसर डी आएगा, वैसे सोल्यूशन भी दिया है यहाँ पे, आप देख लेना। उसके बाद क्या है कि ये देखिए, ये भी अच्छा सवाल है नॉन वर्बल का, 5 फिगर दिए हैं इसमें, ठीक है, इसे बताना है कि अगली फिगर क्या होगा। तो देखिए हम कोई भी एक एरो पकड़ सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने याली एरो पकड़ी, ठीक है, तो याली एरो अभी बजा रही है घड़ी में 1, उसके बाद बज रहा है 3, उसके बाद घड़ी में बज रहा है 6, उसके बाद 10, तो आप डिफरेंस कैलकुलेट करिए, 1 से 3 में कितना आ रहा है, 2 घंटा का गैप किया, ठीक है, फिर कितना घंटा आ रहा है, 3 घंटे का, फिर कितने घंटे का गैप आ रहा है, यहाँ से 3 3 हो गया, उसके बाद फिर 4 घंटे गैप आ रहा है, फिर 5 घंटे गैप आया, फिर 6 घंटे गैप आएगा, तो 10 और 6 जोड़ दीजिएगा आप, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा आंसर इसमें। फिर क्या पूछा, इन द गिवन फिगर हाउ मैनी पेन्स आर ब्लू, ठीक है, ये भी सिंपल सवाल है, आप इसको सेट थ्योरी से आप जो समझ सकते हैं, कितने पेन नीले हैं, ठीक है, हाउ मैनी पेन्स आर ब्लू, तो सबसे पहले देखिए पेन कहाँ पर, पेन तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, अब देखिए पेन जो है हमारे ब्लू पूछा है, तो ब्लू वाला पेन हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, 4 और 19 2 है, तो 9 4 13 23, इसका आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है। कोई सेशन है क्या अभी? अब इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड नंबर निकालना है, तो आप इसको देखिए, जब जब तीर के एरो के अपोजिट साइड रहेगा तो ये मतलब ठीक इस तरह रहेगा, तीर पे रहेगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि देखो तीर एक ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, अपोजिट आ रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आना चाहिए था इसको, ठीक है, तो ये 4th फिगर गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए इसमें भी सिंपल है, इसको मतलब क्या किया है, आपको पहले इमेज को 90 डिग्री रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज, ठीक है, उसके बाद अंदर का जो सामान है उसको भी वो रिवर्स कर दिया, डॉट लिया क्रॉस, क्रॉस का डॉट आ गया, इसको भी 90 डिग्री आप घुमा देंगे तो ऐसे घूम जाएगा और इसको क्रॉस करें तो इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी सेट थ्योरी का आ गया, तो कौन सा भाग खिलाड़ी लड़कों को प्रदर्शित करता है, बॉयज हु आर विलेजर्स, तो ये बॉयज हो गए और विलेजर्स, इसका आंसर सी आ जाएगा, सिंपल है, इसको भी आप सिंपली कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया गया, ये आप इसको प्लेस करके देख लीजिएगा, इसका आंसर बी है, ठीक है। ये देखिए इसका फिर से आ गया, इस तरीके मैंने बताया था आपका, बिल्कुल सेम तरीका इसमें है, आप इसको सॉल्व कर लेना, यही बिल्कुल सिंपल सवाल है, प्लस का माइनस आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, 70 आंसर इसका है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, इफ टू स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ द मैन एंड द क्लास ऑफ द प्लैनेट्स प्लांट्स एंड द बिग सर्कल रिप्रेजेंट द मॉर्टेलिटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द पोजिशन, ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, तो ऑल मैन आर मॉर्टल है तो मैन अंदर जाएगा तो ये वाला फिगर होगा, प्लांट अलग चीज होगी, प्लांट मॉर्टल होते नहीं, ठीक है, तो ये हो गया, तो गिवन ब्लू इज डायग्राम ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है इसका, ठीक है, आप इसको सेट थोड़ी से कर लेना आराम से, हो जाएगा सिंपल है, इसमें यही वाला आएगा एस आंसर इसका, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये वाला इसका हो जाएगा, मतलब राइट साइड वाला इसका, यही वाला आंसर बी वाला है, ठीक है। पीजन बर्ड एंड डॉग, यही बहुत सिंपल सवाल है, पीजन और बर्ड मतलब बर्ड, इसके पीजन बर्ड के अंदर ही आएगा तो यही वाला हो गया, डॉग अलग आएगा, ए वन से इसका, तो ये भी सिंपल सवाल है, ये रिपीट हो गया शायद, तो ये रिपीट हो गया वाला, ये क्वेश्चन किसी को बता दिया मैंने, ये भी सिंपल सवाल है, आप इसको देख सकते हैं, इसको एंगल देखिए, ये 45 आ रहा है, ये 45,
उसके बाद ये कितना आ गया, आप इसको डायग्राम से डिग्री से कर लेना। तो देखिए ये लास्ट सवाल है, बाकी ऊपर के आप सवाल एक बार देख लीजिएगा, कुछ डाउट होगा बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल, इसलिए मैं स्किप कर दिया था इसको। ठीक है, देख लेना आप इसको, बहुत ही सिंपल सिंपल है। तो ये सवाल देखते हैं लास्ट वाला, ये देखिए इसको आप 35 लेना, तो 8 और 3 मल्टीप्लाई किया, 8 3 24, और ठीक है 24 में 6, और इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 24 और 11 35, 7 चौक 28 और 9 7 37 42 और कितना हो गया 7 49 इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं, आप अच्छे से इसी में ही रहिए, आपको सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।